दे देश में उड़ारी। आसमा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो तुम्हारे साथ हो रहा है और मैं ना ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे हजरत का टाइम तो कुछ करता हूं मैं। इतने कम टाइम में क्या करोगे अरमान? भरोसा नहीं मुझ पे। आज के बाद मैं सबके मुंह बंद कर दूंगा। कोई तुमसे तुम्हारे यहां रहने को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चलो, जैसे तैसे वापसी का इंतजाम हो गया। उतर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप लोगों का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू कैसा पुत्र, तू भी तो हमारे बेटे जैसा है ना। पुत्र, चाहो तो तुम हम पर एक एहसान कर सकते हो। हम कैसा एहसान? मुर्तसिम, ये पासपोर्ट चेक कर लो बेटा, तीनों ठीक है ना? तीनों? आसमा का पासपोर्ट? ये वो सनी भाई से कुछ गलती हो गई है। ये आसमा का कोई गलती नहीं हुई है सनी से। आसमा से जो निकाह अधूरा रह गया था वो पूरा कर ले मुर्तसिम। बनवा ले उसे तीसरा कबूल है, बना ले उसे अपनी बीवी और ले जाओ उसे यहां से। ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना आसमा और अरमान एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। नहीं, ये गुनाह है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूं कि तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी खुदगर्ज हूं। हाँ, मैं हो गई हूं खुदगर्ज। ये सच है कि मुझे इस घर की सुख शांति प्यारी, मुझे अपने राजा का बच्चा प्यारा है। लेकिन पुत्र, यकीन मान, मुझे आसमा भी उतनी ही प्यारी है जितना अरमान। लेकिन आलिया, आलिया उसे जीने नहीं देगी। आलिया के कोख में राजा का अंश है, वो राजा जो इस दुनिया में नहीं है। आलिया उस बच्चे की आड़ में आसमा पर बहुत जुल्म करेगी और वो बच्ची बड़ी सह शक्ति है उसमें, उफ नहीं करेगी, मगर अपनी जिंदगी इस घर पर पूरी तरह से न्योछावर कर देगी। आलिया ने पहले ही उससे अरमान के बच्चे की मां बनने का हक छीन लिया है। आलिया उसे जीने नहीं देगी, दूसरी औरत बन के रह जाएगी मेरी आसमा। समाज के ताने उसे जीने नहीं देंगे। दूसरी औरत बनने से तो अच्छा है ना कि वो तेरी बीवी बनके, तेरे बच्चे की मां बनके तेरे घर में रहे।
दूसरी औरत बनने से तो अच्छा है ना कि वो तेरी बीवी बनके, तेरे बच्चे की माँ बनके तेरे घर में रहे। उसे अपना ले मुर्तजिन, ले जा उसे अपने साथ। मैं जानती हूँ अरमान उसे बहुत प्यार करता है, मगर पुत्र सिर्फ प्यार पर कब तक अपनी जिंदगी ऐसे बिताएगी वो? तेरी आंखों में उसके लिए इज्जत देखी, जैद उसे माँ के जैसे प्यार करता है, तो उसे अपने साथ ले जा पुत्र। मुझे पता है वक्त के साथ ये घाव भी भर जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ। जब तू उसे प्यार देगा, जैद उसे माँ बोलेगा, वो भूल जाएगी पुत्र। मेरी बेटी को वो प्यार, वो इज्जत, वो सब तुम दे सकते हो मुर्तजिन। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ मुर्तजिम, उसको ले जाए यहाँ से। ले जाओ सर। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? तो क्या करूँ मुर्तजिम, आसमा मेरी बेटी है, उसका सही गलत मैं समझ सकती हूँ, और इस वक्त जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उससे तो बेटा यही सही है कि वो तेरे साथ चली जाए। आसमा, तुम्हारे साथ खुशी के पल बिताना चाहता हूं। आई एम सॉरी आसमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरमान ने आज जो भी सब हो रहा है ना आसमा, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। काश मैंने तुम पे भरोसा किया होता तो ना तुम हैदरकोट जाती और ना ये सब कुछ होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। नहीं अरमान, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है ना। ले जाओ उसे यहाँ से, दूर, बहुत दूर। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारी अम्मी की जैसी हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे, जरूरत पड़े तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं हम, लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। मुर्तजिम, पुत्र उम्र निकल गई हमारी सही गलत देखते हुए, क्या सही है क्या गलत, क्या प्यार और क्या नफरत समझते हैं हम, मगर पुत्र तुझे हम पर इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आसमा की भलाई के लिए कर रहे हैं। और अब इस सही गलत का फैसला हम तुझ पर छोड़ते हैं पुत्र। क्योंकि सब मजबूर है, मुझे मेरे प्यार पे और मेरे रब पे पूरा यकीन है कि अगर उसने हमें इस सिचुएशन में डाला है तो वही निकालेगा। और तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती, सारी चीजें बहुत आसान लगती हैं। अरमान, आसमान, जितना तुम्हें रब पे भरोसा है ना, उतना मुझे तुम पे। कोशिश करते हो उतना पास आ जाते हैं ये लोग।